हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए और इसमें हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर टू जो आपका यहाँ पे इस तरह लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वार्टरिक इक्वेशन तो ये जो क्वार्टरिक इक्वेशन है आपको सिर्फ सॉल्व करना है और ऐसे ही सम्स आपने समेंथ स्टैंडर्ड में भी देखा है नाइन्थ स्टैंडर्ड में भी देखा है पर इलेवेंथ स्टैंडर्ड में जो आप करने चल रहे हो तो यहाँ पे कुछ तो अलग होगा और वो चीज़ हम देखेंगे दूसरी बात ये कि क्वेश्चन नंबर टू के बाद अगर आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर थ्री देखोगे तो वहां पे भी यही लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थ्री पॉइंट टू का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर थ्री के बाद उसमें भी वही लिखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तीन क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर तीनों का हेडिंग जो है वो यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन हाँ तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है फर्क हम Uh, जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हम देखने वाले हैं क्वारिक क्वेश्चन में वो पहले हम देखेंगे इस वीडियो में उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब आपका आएगा क्वेश्चन नंबर थ्री का तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस सम्स में पहले uh, पहले वाले सम से क्या डिफरेंस है और जब इसके बाद और एक जो क्वेश्चन नंबर फोर का वीडियो रहेगा उसमें हम वो भी देख लेंगे लेकिन सबका हेडिंग यही है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करेंगे और सॉल्व करेंगे उसी तरह जैसे हमने टेंथ स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था और फिर हम देखेंगे कि क्या नया कुछ इसके अंदर आ रहा है क्या तो चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे कि एट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो और हम इसको कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक् स्क्वायर प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो से और ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्सक्वायर एक्स स्क् को छोड़ेंगे तो ए का वैल्यू आपको मिलता है एट उसके बाद x और x को छोड़ेंगे तो b का वैल्यू आपको मिल जाता है टू और c के प्लेस पे वन है तो c का वैल्यू मिल जाता है आपको वन और फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया था बी स्क्यर माइनस फोर ई सी का वैल्यू टेंथ स्टैंडर्ड में भी तो वही हम लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी और इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते थे क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला होता था उसमें हम रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी था वो उसका वैल्यू जो है डायरेक्टली हम यहाँ से लिखते थे तो बी स्क्वायर यहाँ पर बी टू है तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्क्वायर फिर माइनस ये फोर इन टू ए ए आपके लिए एट है और इंटू सी सी आपके लिए वन है अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो टू का स्क्वायर फोर हो जाता है और फिर माइनस एट फोर जो थर्टी टू थर्टी टू वन जर्टी टू थर्टी टू और विच इज़ इक्वल टू फोर में से अगर आप थर्टी टू माइनस करोगे तो आपको मिल जाता है ट्वेंटी एट लेकिन ग्रेटर नंबर ये है तो आपको मिलेगा माइनस ट्वेंटी एट और अब यहाँ पे शुरू होता है हर एक चीज क्योंकि जब हम टेंथ स्टैंडर्ड में इसको सॉल्व करते थे और आपको नेगेटिव वैल्यू मिलता था मतलब डेल्टा का जो वैल्यू है वो जीरो से छोटा मिलता था तो आप सीधा सा मतलब आप अपना जो सोल्यूशन है वो स्टॉप करते थे और यहाँ पर लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल और इतने पे ख़त्म करते थे पर अब यहाँ पे आपको इससे आगे भी करना मतलब ये अगर नेगेटिव मिलता है जीरो से छोटा भी मिलता है मतलब विच इज़ लेस देन जीरो तो भी आपको इसको सॉल्व करना है तो किस तरह सॉल्व करेंगे वही देखिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ऐसा ही कुछ सीखा है आपको फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आएगा तो हम पे ऐसा लिखेंगे कि सो द गिवन इक्वेशन जो भी इक्वेशन है उसका जो रूट रहेगा वो कॉम्प्लेक्स रूट रहेगा कॉम्प्लेक्स इसके वजह से मतलब नॉट रियल के जैसा और फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे कि दीज रूट्स आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला एक्स विच इज इक्वल्ड माइनस वन नहीं आएगा सॉरी बी आएगा तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें सब वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे और किस तरह इसका रूट निकालेंगे जो कॉम्प्लेक्स भले रहेगा लेकिन हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो चलिए वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं यहाँ पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस सेम रहेगा और b का वैल्यू अगर आप देखोगे तो टू है तो माइनस टू आ जाएगा प्लस और माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी है जिसका वैल्यू हमने माइनस ट्वेंटी एट निकाला है तो माइनस ट्वेंटी एट आ जाएगा द होल अपॉन टू इंटू ए तो टू इंटू ए ए आपका एट है तो टू इंटू एट आ जाएगा फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टू रहेगा और प्लस और माइनस रूट ऑफ़ अब यहाँ पे आपको देखिए कि 28 एट मल्टीप्लाई बाय माइनस वन लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय माइनस वन क्योंकि ऐसा हमने किया था कॉम्प्लेक्स के लिए और द होल अपॉन ए टू जिक्सटीन हो जाता है तो समझिए कि नेगेटिव नंबर आने के बाद भी हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं और इसको फर्दर हम ऐसा लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू माइनस टू प्लस और माइनस रूट ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ माइनस वन और द होल अपॉन सिक्सटीन और फिर उसके बाद हम ऐसा कर सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू माइनस टू प्लस और माइनस ट्वेंटी एट का जो रूट में लिखा हुआ है इसका हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो ट्वेंटी एट का अगर हम फैक्टर फाइंड नोट करेंगे तो टू वन जो टू टू फोर ज़ा एट टू सेवन ज़ा फोरटीन और सेवन वन जो सेवन तो सेवन सिंगल टाइम है टू डबल टाइम है जो डबल टाइम है वो अंदर चला जाएगा और सेवन सॉरी जो डबल टाइम है वो बाहर आ जाएगा तो टू बाहर आ जाएगा और सेवन अंदर रहेगा तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपको टू रूट सेवन और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो रूट ऑफ माइनस वन आप जानते हो कि आई होता है तो यहाँ पे आई आ जाएगा और नीचे आ जाएगा सिक्सटीन और अब इसके आगे सिम्प्लीफिकेशन और करना है तो वो क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है और नीचे का एक टर्म है तो इन दोनों टर्म में प्लस और माइनस को छोड़कर मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ टू कॉमन है जैसे अगर हम टू कॉमन निकालते हैं इसमें से भी टू लेते हैं और इसमें से भी टू ले लेते ले ले हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता तो ये नेगेटिव साइन को लेके माइनस वन बचेगा और प्लस और माइनस और यहाँ पे टू बाहर आ गया तो रूट सेवन और आई बचेगा और नीचे क्या है सिक्सटीन तो लिख सकते हैं सिक्सटीन और टू अंजर टू टू एट जर सिक्सटीन करके इसको कैंसिल कर सकते हैं तो फाइनली बचेगा माइनस वन और प्लस और माइनस रूट ऑफ सेवन आई अपॉन एट और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देर फॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर माइनस वन प्लस रूट सेवन आई अपॉन एट और दूसरा क्या रहेगा माइनस वन माइनस क्योंकि प्लस और माइनस है माइनस वन माइनस रूट सेवन अपॉन एट तो इस तरह आपको सॉल्व करना था तो इस क्वार इक्वेशन में आपने जो नया चीज़ देखा वो यही देखा कि जब आपका डिस्क्रिमिट का डेल्टा का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम टेंथ स्टैंडर्ड में छोड़ देते थे और आगे कुछ नहीं करते थे नॉट रियल बताते थे लेकिन यहाँ पे उस नॉट रियल को कॉम्प्लेक्स रूट को हमको फर्दर लेके चल के यहाँ तक ला के सॉल्व करना पड़ेगा तो चलिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन ये है इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन है टू एक्स स्क्वाइनस रूट ऑफ थ्री एक्स और फिर प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो फिर इसको कंपेयर करते हैं एक स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू जीरो से तो ए का वैल्यू आपको मिल जाता है टू फिर बी का वैल्यू आपको मिल जाता है माइनस रूट थ्री और सी का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है वन और फिर हम क्या करते हैं वही सेम डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू फाइंड करेंगे मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर का तो विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर आपको मिलेगा माइनस रूट थ्री का स्क्वायर और फिर माइनस फोर इन ए आपके पास टू है और सी आपके पास वन है फिर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और रूट थ्री का स्क्वायर रूट नाइन होता है रूट नाइन का स्क्वायर रूट को थ्री मिल जाएगा फिर माइनस फोर टू जो एट एट वन जा एट और थ्री माइनस एट आपको देगा माइनस फाइव और विच इज लेस देन जीरो तो विच इज लेस देन जीरो तो कॉम्प्लेक्स रूट आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स तो रूट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला रहेगा वो है एक्स विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर इसी अपॉन टू ए और अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो विच इज इक्वल टू ये माइनस लिखते हैं और बी का वैल्यू फिर से एक माइनस में है तो माइनस रूट थ्री और फिर प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर का वैल्यू आपको माइनस फाइव है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस फाइव द होल अपॉन टू इंटू ए है तो टू इंटू टू आ जाएगा फिर यहाँ पे माइनस इन माइनस प्लस हो जाएगा तो रूट थ्री बचता है प्लस और माइनस इस माइनस रूट फाइव को हम लिख सकते हैं फाइव मल्टीप्लाई बाय माइनस वन और नीचे आ जाएगा टू टू ज फोर फिर हम यहाँ पे रूट थ्री को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस और माइनस भी सेम लिखेंगे यहाँ पे रूट फाइव इंटू आई आप लिख सकते हो अब क्योंकि रूट ऑफ माइनस वन रहेगा और द होल डिवाइडेड बाय फोर अब यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल होने जैसा तो नहीं हो रहा है तो इसका जो दो सोल्यूशन है वो यही है कि एक रूट थ्री प्लस रूट फाइव आई अपॉन फोर रहेगा और एक रूट थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन फाइव आई अपॉन फोर रहेगा तो फाइनली हम लिखेंगे कि देर फॉर द रूट द गिवन इक्वेशन आर रूट थ्री प्लस रूट फाइव आई अपॉन फोर मतलब ये दोनों लिख देंगे बस इतना ईजी है स्टूडेंट्स एकदम ईजी ही क्वेश्चन है चलिए सेकेंड फिनिश होता है थर्ड वाला दिखते हैं तो चलिए थर्ड क्वेश्चन ये है सबसे पहले हम इक्वेशन uh, लिखते हैं तो थ्री एक्स सेवन एक्स प्लस फाइव विच इज इक्वल टू जीरो लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए स्क्वायर प्लस मतलब कंपेयर करेंगे और ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ए का वैल्यू आपको मिलता है थ्री बी का वैल्यू आपको मिलता है माइनस सेवन और सी का वैल्यू आपको मिल जाता है फाइव फिर डिस्क्रिमिनट uh, का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर मिलता है बी स्क्र के प्लेस पर माइनस सेवन का स्क्वायर फिर माइनस फोर इंटू ए है तो थ्री इंटू सी जो है वो है फाइव फिर सिंप्लीफाई करते हैं विच इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन फिर माइनस फोर्थ थ्री जो ट्वेल्थ ट्वेल्व फाइव ज़ा सिक्सटी फिर फोर्टी नाइन में से अगर आप सिक्सटी को माइनस करोगे तो आपको मिलता है माइनस एलेवन जो कि छोटा हो रहा है फिर से जीरो से क्योंकि आपको यही यहाँ पर वही मिलने वाला है बार बार तो हम लिखेंगे विच इज़ लेस देन जीरो और अगर लेस देन जीरो तो इसका जो रूट आएगा वो कॉम्प्लेक्स रहेगा तो यहाँ पर लिखेंगे सो द गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट्स और उस रूट को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये आपका फॉर्मूला जाएगा तो चलिए वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे माइनस लिखेंगे b के प्लेस पे अगर देखेंगे तो फिर से माइनस सेवन है तो माइनस सेवन लिखते हैं प्लस और माइनस इसके अंदर आ जाएगा माइनस इलेवन और द होल अपॉन टू इंटू ए ए थ्री है तो थ्री आ तो जाएगा फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो ये सेवन हो जाएगा प्लस और माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ इलेवन इंटू रूट ऑफ माइनस वन लिख सकते हो आप ऐसा और टू थ्रीजा सिक्स फिर विच इज़ इक्वल टू सेवन प्लस और माइनस रूट इलेवन सेम रहेगा और इसका वैल्यू जाएगा आई और फिर यहाँ पे देखेंगे तो सिक्स आ रहा है और यहाँ पे फिर से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकती है अगर रूट इलेवन को आप सिम्पलीफाई uh, करोगे तो आपको कोई चीज़ बाहर नहीं आने वाला है तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा तो हम लास्ट में लिखेंगे देर फोर द रूट्स ऑफ द गिवन गो इक्वेशन आर सेवन प्लस रूट इलेवन अपॉन सिक्स और सेवन माइनस रूट इलेवन आई अपॉन सिक्स चलिए आपका ये थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं फोर्थ क्वेश्चन और सब इजी है इसके बाद वाला वीडियो भी जो रहेगा वो भी इजी ही है तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वा माइनस फोर एक्स प्लस थर्टीन विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो कंपेरिंग करते हैं और उसके बाद ए का वैल्यू अगर आप देखते हो तो आपको वन मिलता है बी का वैल्यू आपको मिलता है माइनस फोर और सी का वैल्यू आपको मिल जाता है थर्टीन फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर इसी का बी स्क्वायर मतलब माइनस फोर का स्क्वायर फिर माइनस फोर इंटू ए वन इंटू सी थर्टीन उसके बाद यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाता है फिर माइनस फोर वन जा फोर और थर्टीन फोर जा फिफ्टी टू हो जाएगा फिर सिक्सटीन में से अगर आप माइनस फिफ्टी टू करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस थर्टी सिक्स और जो कि फिर से छोटा है जीरो से और फिर से हम यही लिखेंगे कि सो द गिवन इक्वेशन हैज़ कॉम्प्लेक्स रूट और दिस रूट्स आर गिवन बाय दिस फॉर्मूला और फिर वैल्यू सब्सिटीट्यूट करेंगे तो माइनस और बी के प्लेस पे आ जाता है माइनस फोर तो माइनस फोर प्लस और माइनस रूट ऑफ माइनस थर्टी सिक्स अपॉन टू इंटू ए तो टू इंटू ए है वन तो टू इंटू वन फिर माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा ये फोर बचेगा प्लस और माइनस रूट ऑफ थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ माइनस वन फिर इसको लिख देते हैं यहाँ पे टू वनजा टू फिर एक सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा फोर प्लस और माइनस थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट आपको मालूम है सिक्स आ जाएगा तो सिक्स और ये हो जाएगा आई और द होल अपॉन टू अब यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो दोनों के अंदर तो यहाँ पे हम टू अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे टू बचता है फिर प्लस और माइनस सिक्स uh, है तो टू थ्री जो सिक्स होता है तो यहाँ पे थ्री आई बचेगा और उसको पूरे को डिवाइड करेंगे टू से जिसमें ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा तो ये टू और ये टू कैंसिल करते हैं तो फाइनली जो आंसर बचता है वो है आपका टू प्लस और माइनस थ्री आई तो ये उसका स्क्वायर रूट है सॉरी इसका रूट है तो चलिए इसका फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि देर फॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर टू प्लस थ्री आई एंड टू माइनस थ्री आई तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है इसमें हमने क्वेश्चन नंबर टू किया है थ्री पॉइंट टू का नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आने वाला है उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे सेम क्वेश्चन है लेकिन क्या फ़र्क है वो उस वीडियो में देखेंगे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए और शेयर भी करिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू वेरी मच